दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग होने वाली है। आम चुनाव के नतीजों को लेकर मंथन कांग्रेस करने जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका बैठक में शामिल होंगे। चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की सराहना होगी। कांग्रेस 99 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। उससे पहले आज ये मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी, जिसमें आम चुनाव के नतीजों पर मंथन किया जाएगा। और क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी है 99 सीटों के साथ, तो इस प्रदर्शन को लेकर भी सराहना कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जाएगी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तो बैठक होगी ही आज कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की भी आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा। सोनिया गांधी का दोबारा संसदीय दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं राहुल गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राहुल गांधी के भी नेतृत्व में लगातार जो यात्राएं निकाली गई उसका भी प्रभाव माना जा रहा है कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस को लेकर। ऐसे में नतीजों के बाद कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे होगी। संसद भवन मीटिंग होगी। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के नेता का चुनाव होगा, जो कि फिलहाल सोनिया गांधी हैं। और सोनिया गांधी का दोबारा चुना जाना तय माना जा रहा है। तमाम सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता बनाए जाने की पुरजोर मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता के पद का मतलब नेता विपक्ष होगा, यानी नए सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष लोकसभा बनाए जाने की मांग की जाएगी। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में नेता नामित करने का अधिकार कांग्रेस संसदीय दल के नेता का होता है, जो इस वक्त सोनिया गांधी है और उनका फिर से चुना जाना तय माना जा रहा है। तो यह उन पर निर्भर करेगा कि वो इस बैठक में राहुल गांधी या किसी अन्य नेता के नाम का ऐलान नेता विपक्ष के लिए करें। तो एक तरफ CWC की मीटिंग होगी और दूसरी ओर संसदीय दल की भी आज मीटिंग कांग्रेस में होने जा रही है, जिसमें नेता विपक्ष का चयन किया जाएगा।